नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं धनिये की पंजरी, और ये जन्माष्टमी के अवसर पर बनाई जाती है और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। टेस्ट के साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, कैल्शियम है, खूब सारा फाइबर है, और इसमें नेचुरली हमने ढेर सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं। तो चलिए धनिया पंजीरी बनाना स्टार्ट करते हैं और एक नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे 2 चम्मच, यहाँ पर हमने देसी घी लिया है, इसी का इस्तेमाल हम बार बार करेंगे। आज इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हमको रोस्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम ये 1 कप मैंने धनिया लिया है, पिसा हुआ धनिया है, और ये मेरा घर का पिसा हुआ धनिया है। अगर आपने घर में नहीं पिसा रखा है तो बाज़ार वाला भी ले सकते हैं, उसका थोड़ा सा कलर डार्क होता है। तो यहाँ देखिए, अब हम इसको रोस्ट कर रहे हैं बहुत ही हल्की आंच पे, यानी लो फ्लेम पर। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, ये थोड़ा सा डार्क हो गया है ये, और इसको आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही करना है, वरना ये जो है फटाफट से जल जाएगा। तो ये देखिए, धनिया हमारा हो चुका है बिल्कुल तैयार। ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गया है और खुशबू भी आने लगी है। तो इसको हम एक साइड में रख देते हैं। अब हम फिर से कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। ये लीजिए, तो ये घी मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर ये काजू और बादाम लिए हैं मैंने, 10-12 काजू, 10-12 बादाम है। काजू मैंने टुकड़े वाला लिया है क्योंकि हमें इसको ग्रेट करना है। आप चाहें तो यहाँ साबित भी ले सकते हैं। तो इनको भी मैं अच्छे से यहाँ पर रोस्ट कर लूँगी, ये भी लो फ्लेम पर कर रही हूँ मैं। ये देखिए, बिल्कुल इसमें घी एब्जॉर्ब नहीं किया है, ये जो काजू बादाम चिरौंजी, ये बिल्कुल भी घी एब्जॉर्ब नहीं करते, तो इसी में रह जाता है। तो ये देखिए, हमने काजू बादाम रोस्ट कर लिए हैं, इनको हम साइड में रख देते हैं। और हमारा घी बचा हुआ है, उसी में हम ये 1/2 कप मखाने लिए हैं मैंने, और इनको भी मैं इसमें रोस्ट करूँगी लो फ्लेम पर। ये देखिए, मखाने फटाफट घी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारा घी गायब हो गया बिल्कुल उसमें से। आप चाहें तो रोस्ट करने की बजाय इनको तल भी सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको कर लिया है बहुत बढ़िया फ्राई, और ये एकदम क्रिस्पी और क्रंची हो गए हैं। अब घी ख़त्म हो गया है तो 1 चम्मच घी और डालेंगे इसके अंदर। और ये देखिए, अब मैं करने वाली हूँ ये नारियल को मैंने देखिए बाहर से कवर इसका जो है ब्राउन वो नहीं छीला है, और मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। तो ये ग्रेटेड नारियल जो है ये मैंने ले लिया यहाँ पे 1/4 कप, और इसको भी मैं इसको हल्के से पहले मिक्स कर लेती हूँ इसके अंदर। और अब इसी में ही हम साथ साथ ही ये खरबूजे के बीज लिए हैं मैंने 1/4 कप, इन दोनों को मिक्स करके और एक साथ ही हम रोस्ट कर लेंगे। जो चीज़ें जल्दी और जो चीज़ें देर से होती हैं तो हम उनको एक एक साथ ही रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए, थोड़े से खरबूजे के बीज थोड़े से फूल गए हैं, ये देखिए कितने अच्छे से पफी हो गए हैं। तो ये हो चुके हैं हमारे खरबूजे के बीज और ग्रेटेड नारियल, इनको भी हम अलग कर देते हैं एक साइड में। सभी चीज़ों को रोस्ट करते जाएंगे और एक साइड में रखते जाएंगे। अब आप देखिए, ये मखाने जो हैं कितने क्रिस्पी हो गए हैं, हाथ से दबाने से ही टूट रहे हैं बिल्कुल। आप चाहें तो इनको हमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं, आप चाहें तो इनको ग्रेट कर सकते हैं, मिक्सी में हल्का सा दरदरा भी कर सकते हैं। ये देखिए, बादाम भी कितना क्रिस्पी हो गया है। तो अब क्या है, इनको काटना चॉप करना बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, अब आप ये कितने आसानी से हो रहा है। तो रोस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये काजू बादाम और मखाने जो हैं इनको हम चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए आप, ये मैंने काजू बादाम और मखाने, इन तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैंने इनको चॉप कर लिया है। आप कुछ भी कर सकते हैं, इनको कूट भी सकते हैं, आप यहाँ पे किशमिश भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर चिरौंजी भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं। तो अब मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ मैं ये 1/2 कप से, मैं थोड़ी सी बचा ली है मैंने, ये शुगर लिए मैंने, पिसी हुई चीनी थोड़ी सी बचा ली है मैंने। तो जितनी ज़रूरत हो उतनी डाल दीजिए, मीठा आप जितना खाएं। अब सारे जो ड्राई फ्रूट्स चॉप्ड हैं, रोस्टेड हैं, बहुत ही बढ़िया, उन सबको हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, सारे मैंने मिक्स कर लिए हैं, लेकिन मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं तो मैंने थोड़े से बचा लिए हैं। अब मैं डालूँगी इसमें इलायची पाउडर 1/2 चम्मच। तो अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है। तो ये धनिया पंजरी हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। तो कान्हा जी का भोग हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब इससे हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे जन्माष्टमी वाले दिन, स्पेशली खासतौर पर ये उन्हीं दिनों बनता है, मंदिरों में भी ये जो है प्रसादी के रूप में बाँटा जाता है। बहुत ही टेस्टी हमारी पंजरी बनके तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी आपको पूरी मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।